हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। सो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, माइंड में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के। ठीक है, देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। जल्दी से ध्यान कीजिए अपने पार्टनर का, और हाँ, खाते दी पे फोकस ना करें। ओके, ये रीडिंग जो है सभी जेंडर स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, कोई स्पेशल जेंडर के लिए नहीं बनाई जाती। टैरो रीडिंग्स जो है वो एनर्जीज बेस पे काम करती, राइट, एनर्जी बेस होती है। तो इस चीज को आप समझने का थोड़ा प्रयास करें, राइट। सो हम अभी रीडिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, मूमेंट टू मूमेंट अवेयरनेस स्लोइंग डाउन, और बताएं डिवाइन क्या सोच रहे हैं। सेपरेशन, ओके, नो थिंगनेस, कुछ भी नहीं चल रहा है इनके माइंड में। देखो ये आपको बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं चल रहा। क्यों आप इनके पीछे पड़े रहते हो, आपके पार्टनर सोचते हैं ऐसा। ठीक है, ऑल ओवर एनर्जी बताए डिवाइन इनकी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है पॉलिटिक्स। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एंड नंबर 4 एंड नंबर 10 जो बता रहा है सेपरेशन को, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली सेपरेशन है। ओके, सो चलिए हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। सो आपके पार्टनर ने ऐसा लग रहा है ना इस सिचुएशन में, डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप में इन्होंने आपको डिसअपॉइंटमेंट जरूर दी है। ठीक है, एक इस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट दिया है इन्होंने आपको, जिससे आपका निकल पाना, ओके, और इनके बारे में पॉजिटिव सोच पाना आपको काफी ज्यादा ये चीजें जो है वो परेशानी में डाल रहा है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपके बारे में काफी ज्यादा थैंकफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी, इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, बट आप कभी भी इनके साथ किसी गलत एक्टिविटी में नहीं रहे। ठीक है, आप हमेशा इनको गाइड करते, आप हमेशा इनको समझाते, आप हमेशा इनको अवेयर करके रखते। बट ये पर्सन जो है वो होता है ना, अगर लोगों को ज्यादा प्यार मिल जाता है या ज्यादा चीजें मिल जाती है तो लोग उस चीज की कद्र करना भूल जाते हैं, राइट। वही आपके पार्टनर के साथ हुआ, जब आपने इनको ज्यादा प्यार दिया, आप इनके साथ या इनके बात को हमेशा हाँ में हामी भरते रहे, यानी कि आप हमेशा मानते रहे इनके बात को, तब आपके पार्टनर को ऐसा लगा ना कि आप कहीं नहीं जाओगे इनको छोड़ के। ठीक है, आप तो जा ही नहीं सकते क्योंकि आप तो हद वाला प्यार करते हो इनसे, राइट, आप कहाँ जाने वाले हो, जिसके वजह से इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, आप जो थे इनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचते रहे, और ये पर्सन जो है एकदम से आपको मैनिपुलेट कर दिए। ठीक है, मैनिपुलेट करके चले गए, ये बाद में इनको रियलाइज हो रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर एक भयंकर लेवल का रियलाइज से गुजर रहे हैं। ठीक है, शोइंग डाउन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर ना आपके ऊपर नजरें जरूर रखते हैं, ठीक है, बट आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि ये पर्सन आप पे नजरें नहीं रखते, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये आप पे नजर रखते हैं, आप देखो कि ये आपके पीछे पीछे आते जरूर है। ठीक है, आप पे नजरें रखना, आपको हर वक्त वॉच करते रहना इनको काफी ज्यादा पसंद है। ठीक है, आपका लुक, आपकी ड्रेसिंग सेंस, या आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, आप जितने ब्यूटीफुल लगते हो ना, ये चीजें आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा भाती है। ओके, बहुत ज्यादा पसंद आती है, लाइक लिटरली ये पर्सन आप पे लट्टू है। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते ये पर्सन आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ये व्यक्ति आपसे। ठीक है, आपको ना बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, हो सकता है आपको दिखाने के लिए ये इग्नोर करते हो, ठीक है, आपको सडन गोस्ट कर देते हो, बट ये व्यक्ति ना दिल से आपको जितना चाहते है ना, अगर वो चाहता आपको सामने से दिख जाए तो शायद आप कभी भी इस पर्सन के बारे में गलत ना सोचो, बिकॉज इन्होंने खुद ही अपनी एक इमेज बनाई है आपके नजरों में। ठीक है, डेफिनेटली रंग बिरंगा या डार्क एनर्जी इन्होंने खुद आपको ऐसी एनर्जी में डाल दिया है, जिससे आपका भी निकल पाना काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको डाल रहा है, राइट। आप जजमेंट की उम्मीद करते हुए, आप सब कुछ अच्छा अच्छा सोचते हुए, अपनी लाइफ में निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बट दूसरी तरफ आपके पार्टनर जो है आपको पीछे से वॉच कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में ना मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ बहुत बेटर चल रहा है।
ठीक है, आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट आपके पार्टनर जो है ना, यही एक ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं। हालांकि पार्टनर्स प्यार देते हैं, पार्टनर लव देते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, बट आपके पार्टनर ने ना डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आपको सेपरेशन दिया है। ठीक है, आपको सेपरेशन मिला इस रिश्ते में। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर पास्ट में काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने के चक्कर में इन्होंने आप जैसे स्त्री या पुरुष को खोया, यानी कि आप जैसे ब्यूटीफुल से एनर्जी को इन्होंने खोया है। ठीक है, और इस बात का रिग्रेट पछतावा आपके पार्टनर को डेफिनेटली है। इनको समझ में आ रही है चीजें कि इनकी किसी गलत एक्टिविटी की वजह से या इनके गलती की वजह से ना आपने इनको छोड़ दिया। ठीक है, यदि आप इनके लाइफ में रहते हैं ना तो आज भी चीजें काफी ब्यूटीफुल होती है। आप देखो इनके माइंड में एक से ज्यादा लोग हमेशा रहते हैं। ठीक है, हमेशा इन द सेंस कि ये पर्सन ना काफी ज्यादा क्लोज व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, ये अपनी गलती एकदम से नहीं मानते, आपके सामने ऐसा व्यवहार रखते हैं अपना कि ये व्यक्ति बहुत डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, बर्डन बहुत है इनके जीवन में, सारे कार्य को इन्हीं को करना है, इस तरीके की सारी एनर्जी आपको देते होंगे। ठीक है, बट इसका ठीक उल्टा आपके पार्टनर जो है कंफ्यूज रहते हैं लोगों में, यानी कि ऑप्शंस में। डेफिनेटली इनके लाइफ में एक या दो ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, और उन ऑप्शंस में ना ये खुद को बहुत ज्यादा अकेला मानते हैं। इनको लाइक ऐसा है कि ये सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, अपने जीवन में किसी को अप्रोच भी नहीं कर पा रहे। यदि किसी के साथ जाते हैं तो वहीं से चीजें जो है खराब होना स्टार्ट हो जाती है। राइट, खुद को बंधा हुआ सा भी महसूस करने लगते हैं। आपके पार्टनर कितने भी रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप में रह चुके हो, बट आपके पार्टनर खुद को फ्री नहीं मानते। ठीक है, ये ऐसा मानते हैं कि मेरे जीवन में फ्रीडम नहीं है, मुझे हमेशा ही प्रॉब्लम्स रहती है, या मेरे पैर में हमेशा जंजीरें रहती है। ठीक है, हमेशा बंधा हुआ सा ये पर्सन फील करते हैं, इनका एहसास होता है ये बंधे हैं या बंधी है। ठीक है, डेफिनेटली आपके पार्टनर ना अपने सोच विचार में बंधे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने इनको बांधा हुआ है। ठीक है, ये खुद ही एक या दो पर्सन में अटक के रह गए। राइट, ये खुद नहीं निकल पा रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि जो डिस्टेंस, जो दूरियां आप दोनों में आ गई है ना, उस डिस्टेंस और दूरी को लेकर के ये काफी ज्यादा परेशान है। राइट, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये अपने जीवन में किसी भी राइट डिसीजन तक पहुंच नहीं पा रहे। ठीक है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है इनकी ओवर थिंकिंग को। ओके, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके टूवर्ड्स बढ़ना जरूर चाहते हैं ये, बट ये बढ़ नहीं पा रहे। एट ऑफ पेंटिकल्स डेडिकेशन के साथ ही आएंगे, अगर इस वक्त इनका आना हुआ। ठीक है, सो ये डेफिनेटली आपके सामने डेडिकेशन के साथ आते हुए, एक न्यू चैलेंजेस क्रिएट करते हुए आपकी लाइफ में ये नजर आएंगे। बिकॉज आपके लाइफ में पास्ट में इन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज क्रिएट की है। राइट, ऐसी ऐसी डिफिकल्टीज का सामना इन्होंने आपको करवाया है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, आपने कभी सोचा भी नहीं कि इस तरीके की सिचुएशन मेरे जीवन में व्यक्ति क्रिएट करेगा। आपके पार्टनर ना हमेशा ही आपसे मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, हमेशा ही आपके साथ दो चेहरे लेके चलते रहे ये पर्सन। ऐसा सोचते थे ना कि यदि आप लाइफ से निकल भी जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होगी। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऐसा सोचते थे, यदि आप जीवन से निकल भी जाओगे तो ये आपको दूर दूर से देख के, वापस से मना के, रिझा के आपको अपने पास रख लेंगे। ठीक है, बट इनको ये नहीं पता था कि इनका इस तरीके से बिहेवियर में आना या इस तरीके से चीजों को ज्यादा करना, वो चीजें इनको हर्ट कर सकती है, आपको हर्ट कर सकती है। ठीक है, या आप इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशनशिप से, जिस तरीके से भी आप डील कर रहे हो, आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप से निकल सकते हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप देखो क्लियरली आप अवेयर होके यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हो, और ये बात आपके पार्टनर को पता है कि अवेयरनेस के कारण ही आप इस सिचुएशनशिप से निकल रहे हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे किसी और को इंटरटेन करते हुए, किसी और को अपने आसपास रखते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, और आप साइड से निकल रहे हो, ये चीजें इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप जब जब अपनी एनर्जीज में शिफ्ट लाओगे ना, जब जब अपनी सिचुएशन में शिफ्ट लाओगे, तब तब ये व्यक्ति आपके लिए तड़पेंगे। ठीक है, तब तब इनको आभास होगा, रियलाइज होगा कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ। बिकॉज इनके जीवन में ना एक लाइट एनर्जी जो होती है ना, वो इस वक्त नहीं है। आप माने ना माने, इनका जीवन जो है काफी स्टक हो चुका है। दी हर्मिट की एनर्जी आई है, यानी कि ये ना अपने आप पे बिलीव कर पा रहे हैं। ठीक है, ना लोगों पे भरोसा कर पा रहे हैं, इनको पेन काफी ज्यादा मिल रहा है। यानी कि टेन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में डेफिनेटली कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन आया हुआ है। ठीक है, और एक ब्रेक डाउन का सामना ये करते हुए नजर भी आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपके साथ जो पॉलिटिक्स एनर्जी रखी थी ना पास्ट में, वो डेफिनेटली उसके कारण आप काफी हर्ट हुए हो। ठीक है, हालांकि लव है, यस, इन्होंने जो पॉलिटिक्स एनर्जी आपके साथ रखी थी उसमें काफी ज्यादा ये हर्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक जस्टिस की मांग करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ जस्टिस लाना जरूर चाहते हैं, विक्ट्री लाना जरूर चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफर के साथ आएंगे। इस वक्त मैं आपको बता दूं, ठीक है,
अगर ये व्यक्ति आपके पास आते हैं, आपके समक्ष दोबारा से आपको कांटेक्ट करते हैं, सो यस, ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी रखेंगे, ठीक है, और आपके साथ जो है चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे। और लोगों को सबसे पहले इनको छोड़ना पड़ेगा। इनके आसपास कोई इनके दोस्त कलीग्स या दो चार लोग हो सकते हैं जो आपके पार्टनर को काफी ज्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कि भाई आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो, आप तो बहुत हैंडसम हो, आपको तो कोई भी मिल सकता है। इस तरीके से लोग ना इनको बहुत ज्यादा लाइक ऐसा है ना टोन भी मारते होंगे और बहुत ज्यादा इनको ये एहसास दिला देते हैं कि इनसे बेस्ट पर्सन तो कोई हो ही नहीं सकता इस पूरी दुनिया में, ठीक है, या इनसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं इनके पूरा ऑल ओवर ग्रुप में, जिसकी वजह से ये पर्सन और सर चढ़ जाते हैं। और आप इनको जो इज्जत रिस्पेक्ट और प्यार देते हो ना उसकी ये कद्र या वैल्यू नहीं करते, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये रिस्पेक्ट और प्यार और कद्र करना तो आपकी प्रायोरिटी है, राइट, आपको करना है, सो यस आप करोगे, बट ये हमेशा भूल जाते हैं आपके पार्टनर कि रिश्ता हो, ठीक है, या दोस्ती हो या कुछ भी हो, हमेशा इक्वल गिव एंड टेक मांगता है, चाहे प्यार ही क्यों ना हो, हमेशा इक्वल गिव एंड टेक। यदि आप किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक में नहीं रहोगे सो डेफिनेटली सामने वाला भी अपनी टर्न जो है वो खुद ब खुद कर देता है, ठीक है, टर्न जो है खुद ब खुद मार देता है। ऐसा लग रहा है कि आपको ना इस व्यक्ति ने खोया है अपनी लाइफ में, इस चीज का पछतावा ये करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपके पार्टनर ने ना आपको खोया, इस बात का एहसास कर पा रहे लोगों की वजह से। दी एम्परर, फिर भी ईगो नहीं गया इनका, ठीक है, फिर भी ईगो नहीं जा रहा इनका, अपने आप को लीड करते हुए, ओके, अपने ग्रुप का हेड पर्सन मानते हुए ये आगे चल रहे हैं। ये ना सबसे ऊपर खुद को रखते हैं, पता नहीं क्यों आपके पार्टनर खुद को बहुत ज्यादा ऐसा मानते हैं कि इनके जैसा पर्सन कोई पूरी दुनिया में नहीं है, ठीक है, यही एक ओनली वन पर्सन है। दी टावर की एनर्जी आई है, ये एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपके साथ इनका सेपरेशन चल रहा है, राइट, बहुत ही उलझन वाली एनर्जी में आपके पार्टनर है, इनके थॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको पूरी तरीके से ना बैलेंस एनर्जी नहीं दे पा रहे, ठीक है, एक ब्लेसिंग्सफुल लाइफ जो होती है ना, एक ब्लेस्ड लाइफ जो होती है, यानी कि ढेर सारा उसमें प्यार होती है, रिस्पेक्ट होती है, राइट, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज होती है, वो चीजें आपको दे नहीं पा रहे। आपके पार्टनर खुद ही कंफ्यूज है, दो या तीन लोगों में ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है इन्होंने, ठीक है, बट ये आपको अपनी तरफ से काफी पॉजिटिव मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि भैया आप बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हो, राइट, आपके लिए सारी चीजें बहुत ही इजी और पॉसिबल है, बट वही बात इनकी करी जाए तो इनके लिए वो चीजें जो है इतनी ज्यादा पॉजिटिव या पॉसिबल नहीं हो सकती, बट आपके लिए सब चीजें पॉसिबल है। जैसे कि आप कुछ भी करते हो ना उसमें आप डेफिनेटली विन कर जाते हो, ठीक है, चाहे वो वर्क हो, बिजनेस हो या कोई भी चीज हो ना, आपके पार्टनर को काफी पवित्र मानते हो, ऐसा मानते हैं कि आपका सोल जो है काफी पवित्र है, आप किसी भी चीज में हाथ डालते हो या आपका लक इतना सॉलिड है कि आप जिस भी चीज में हाथ डालते हो ना उस चीज में आप विन कर जाते हो, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो, कारोबार हो या कोई भी चीजें क्यों ना हो, आप डेफिनेटली जीत जाते हो उस चीज में, ठीक है, सो ये आपको एक ब्लेसिंग्स की तरह भी देखते हैं। और आप साथ में नहीं होना इस वजह से ये खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हैं, ठीक है। डिवाइन गाइड करके बताएं कि आने वाले नेक्स्ट 10 डेज में ये पर्सन आएंगे, नेक्स्ट 10 डेज की एनर्जी देखते हैं, ठीक है, बताएं डिवाइन क्या नेक्स्ट 10 डेज में ये पर्सन कॉन्टेक्ट करेंगे, अपकमिंग इवेंट में क्या होने वाला है। गाइडेंस नंबर 3, ओके, मैं आपको राशियां सबसे पहले बता देती हूँ, ठीक है, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको राशियां बताती हूँ। अबंडेंस, ये आपको एक अबंडेंस की तरह देखते हैं, ओके, आपको ऐसा मानते हैं कि आप अबंडेंस हो इनके जीवन में, ओके, सो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको राशियां बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस है, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस है, पाइसेस यानी कि मीन राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, वृषभ टॉरस राशि, ओके, सैजिटेरियस है, लियो है, वर्गो राशि है, ओके, ये सारी राशियां हाईलाइटेड है यहाँ पे, एंड 12th के 12th साइन यहाँ पे मौजूद है, राइट, और ये 12th साइन के ही रीडिंग है। बात करूं कि आपका नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है, सो ये पर्सन किसी तरीके की गाइडेंस को फील करेंगे, ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा भेजा गया कोई ऐसा गाइडेंस ये रिसीव करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू करे, चाहे ये खुद किसी के पास गाइडेंस के लिए जाए, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करें या कहीं पे भी ये लाइक डिस्कस करने की कोशिश करें, बट वहां से ऐसा लग रहा है कि क्लियरिटी लेते हुए, ठीक है, और आपको समझते हुए, इस रिश्ते को समझते हुए प्रयास कर रहे हैं,
ओके प्रयास दिख रहा है इनकी एनर्जी में ना, एक्टिविटी दिख रही है कि यस अब ये आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके यदि पहले एक्टिविटी में नहीं थे ना, सो डेफिनेटली इस वक्त ये किसी तरीके की एक्टिविटी में आएंगे जिसमें ये आपके साथ अबंडेंस को, हार्मनी को फील करेंगे। ठीक है, नंबर 10 रिप्रेजेंट हुआ था सेपरेशन की एनर्जी को बताता है, एंड नंबर 10 जो है यहाँ पे पॉजिटिव वे यानी कि अपकमिंग एनर्जी में हार्मनी में आया हुआ, राइट। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में चांसेस है कि बहुत जल्दी आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी आ सकती है, ठीक है, और सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, सब कुछ बहुत प्यारा हो सकता है, जिस तरीके से आप चाहते थे उसी तरीके से आप दोनों के जीवन में जो है सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इनकी लव मैसेजेस क्या हैं। ओके, बार बार मुझे मैसेजेस के बारे में बैक ऑफ द माइंड चैनल हो रहा है। ओके, गिव मी अ चांस, देखो आप गिव मी अ चांस, क्या आप इनको चांस देना पसंद करोगे? डेफिनेटली ये व्यक्ति आपसे चांस चाहते हैं, ठीक है। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, सो ये बहुत ज्यादा हेजिटेट फील करते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाते या बता नहीं पाते, ठीक है। इस चीज के लिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा समझना इनको, बिकॉज ये अच्छी तरीके से अपने फीलिंग्स को रख नहीं पाते, ठीक है। बट ये एक चांस चाहते हैं, ये अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटी से, अपनी एनर्जी से ये आपको एहसास दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको अपना पास्ट लाइफ पर्सन मानते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ के व्यक्ति हो, पास्ट लाइफ पर्सन हो, ठीक है। आपके होने से ना इनके जीवन में बहुत सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। कार्मिक पार्टनर हो सकता है कि अब तक से आपको अपना कार्मिक पार्टनर मानते थे, ठीक है, बट ये इल्यूजन्स इनके मन से निकल रहा है। नेक्स्ट 10 डेज में इनको किसी तरीके की गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, फ्रॉम द यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से, जिससे ये काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। समटाइम्स आई फील यू डू नॉट लव मी, समटाइम्स इनको फील होता है कि आप इनको प्यार नहीं करते, ठीक है, आप पहले की तरह इनको पैम्पर नहीं करते, जिसके लिए काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। I cry for you, but nobody knows. आपके लिए ये रोते हैं, ठीक है, बट किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं चलता है कि आपके लिए कितने ज्यादा obsessed है, कितना ज्यादा ये आपके लिए रोते धोते हैं, ठीक है, बट ये व्यक्ति आपसे चांस चाहते हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, डेफिनेटली धीरे धीरे सारी उम्मीदें ये खो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही एक मात्र पर्सन हो इनको समझने वाले, ठीक है। यदि आपने भी इनको समझने से इनकार कर दिया तो इनका जीवन तो व्यर्थ है, राइट, इनका जीवन इनके किसी कार्य का नहीं है, यानी कि लाइफ में इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा, लाइफ में हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी आपके जाने से, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, हो सकता है कि किसी पेनफुल सिचुएशन से ये व्यक्ति डील कर रहे हैं और ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके सिचुएशन को समझो, ताकि इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में ये वापस से हार्मनी लेके आ सके, ठीक है। लगभग लगभग आपके पर्सन बहुत ज्यादा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आई मिस यू, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ओके, बहुत ज्यादा मिस करने के कारण ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, साथ ही साथ गिल्टी भी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर ने आपके साथ किसी भी तरीके की एक्टिविटी करी है ना, उसके लिए पर्सन काफी ज्यादा हेजिटेट फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि इनका बहुत भारी नुकसान हो गया है आपको खोने के बाद, ये एक लॉस की एनर्जी को भी फील कर रहे हैं, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग एंड लव मैसेजेस। यदि आपको पसंद आए हो सो इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, ओके, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में, बाय गाइज़।